ना बीजेपी कतई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अरे बेरोजगारी किसान परेशान है, प्लस किसान के लिए खाद नहीं उपलब्ध है, कैसे आएगी बीजेपी? पटेल जी क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है। सब पटेल बीजेपी प्रत्याशी का? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इस वक्त बीजेपी का ये है जब। नहीं नहीं, पटेल बीजेपी में सब जाएंगे क्या, यहाँ पूछ रहे हैं? काम के ऊपर सब जाएंगे। अच्छा हाँ, प्रवीण पटेल उधर सांसदी और उधर विधायक कितने उधर वोट से उधर जीते हैं बता दीजिए? 2500 4000 बहुत कम वोट से जीते थे। अब इस लोकसभा में सांसदी में उधर विधायक में 5 उधर बजे तक उधर सपा उधर आगे थी, ठीक है, तो वो जाके किसी तरीके से होता अपना जीत उधर हासिल उधर कराए हैं उधर, मतलब आप कह रहे हैं जुआ के बल पे? अच्छा, सत्ता के बल पे जी जी बिल्कुल। 5 बजे तक हार रहे थे सत्ता के, अनुप्रिया पटेल की वजह से जाएंगे? नहीं नहीं, काम के ऊपर जाएंगे, अनुप्रिया पटेल भी ऊपर, दोनों के ऊपर जाएंगे। पल्लवी पटेल? पल्लवी पटेल नहीं, वो आउट का, उसको बेदखल। सरकार अच्छा काम करता है? कुछ नहीं करते बात सरकार। हाँ नहीं, कुछ नहीं करता सरकार, अच्छा काम नहीं करता नहीं। बता, चलिए नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में चुनाव होना है, और अब जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से अब चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सियासी दल अपने जो है गोटी सेट करने में लगे हैं। बता दें कि विधानसभा के 9 विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, उपचुनाव होना है, और फूलपुर में भी उपचुनाव होना है। मेरी मौजूदगी जो है फूलपुर जो है विधानसभा है, ये देखिए इफको किसान सेवा केंद्र एक है, यहाँ कुछ किसान आए हैं अगल बगल से, और भी लोग आए हैं डाई यूरिया लेने आए हैं। तो किसान यहाँ कई गाँव से आए हैं, अलग अलग गाँव से आए हैं, अलग अलग बिरादरी के लोग होंगे, उन्हीं से हमारा जानने का प्रयास होगा कि आखिर माहौल यहाँ का क्या है। क्या नाम है सर आपका? सूर्य प्रताप सिंह। क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव में फूलपुर का, उपचुनाव जो होना है? यहाँ तो बीजेपी का माहौल दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ, कैसे है, क्या मतलब, जैसे जाति समीकरण से कैसे है? नहीं, कुछ काम समीकरण से भी है। अच्छा, क्या हाँ। जैसे जहाँ के जो विधायक थे वो तो सांसद हो गए? जी जी हाँ, अभी भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। जी, तो चाहे जो आएगा उसके हिसाब से कि हाँ हाँ हाँ, क्या काम से वैसे कुछ बताइए थोड़ा सा। जैसे इसमें रोड संबंधी जितने कार्य हैं वो अच्छी तरह से हुए। हाँ हाँ। अभी जैसे बेरोजगारी की बातें थी तो अब उसमें भी काफी अच्छी तरह से काम हो रहा है। हाँ, विपक्ष तो कहता है बेरोजगारी का मामला है, क्योंकि वैकेंसियां काफी तक निकली हुई है। हाँ, बीजेपी के चांसेस। हाँ जी, आपका क्या नाम है? शंकरलाल पटेल। पटेल जी क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है। सब पटेल बीजेपी प्रत्याशी का? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इस वक्त बीजेपी का ये है जब। नहीं नहीं, पटेल बीजेपी में सब जाएंगे क्या, यहाँ पूछ रहे हैं? नहीं, काम के ऊपर सब जाएंगे। अच्छा हाँ, कि अनुप्रिया पटेल की वजह से जाएंगे? नहीं नहीं, काम के ऊपर जाएंगे, अनुप्रिया पटेल भी ऊपर, दोनों के ऊपर जाएंगे। पल्लवी पटेल? पल्लवी पटेल नहीं, वो आउट का, वो उसको बेदखल क्यों? अरे मतलब इसलिए है कि जो अभी पार्टी जो पार्टी पनपते वक्त जो उसमें अलग हो गई। अरे सोनेलाल पटेल की बिटिया तो वो भी है ना, आप पटेल है, सोनेलाल पटेल की बिटिया अनुप्रिया है, पल्लवी भी है, तो उनके रहते हुए जो है उन्होंने कहा थी उनके रहते हुए उन्होंने क्यों गायब हो गई? अच्छा, तो जो ये शुरू से आज तक बागडोर संभारा है अनुप्रिया पटेल ने, शुरू से लगी है इन्होंने संभारा, जब कल्पने लगी है इनकी पार्टी तो उसने आया, उसने तो उसमें विखंडन इसने किया, तो क्यों किया विखंडन जो है? अच्छा, नाराजगी इसलिए है। हाँ, पटेल इसलिए उनके साथ नहीं रहता क्या? हाँ इसीलिए। अच्छा, इसीलिए। अच्छा हाँ, तो मतलब अभी जो है उस पनप रही है तो उसमें विखंडन कर दिया। फूलपुर में जो इसके पहले विधायक थे क्या नाम था उनका, पटेल जी? ये प्रवीण पटेल। प्रवीण पटेल, तो प्रवीण पटेल को ही आप लोगों को लगता है क्या पटेल की वही किसी को टिकट मिलेगा क्या भाजपा से? ऐसा भी चाहे जो आएगा वही पाएगा। मान लीजिए पटेल को नहीं मिला तब भी पाएगा बीजेपी, 22 को वोट देना। हाँ, 22 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा हाँ, और काम हो रहा है, समस्या है, खाद मिल रहा है, खाद मिल रहा है। भैया आपका नाम बताएं सर? दिनेश कुमार पटेल। पटेल जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, आपको भी लगता है बीजेपी आएगी? ना बीजेपी कतई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अरे बेरोजगारी किसान प्लस किसान के लिए खाद नहीं उपलब्ध है,
कैसे आएगी बीजेपी सरकार? खाद कितने कितने दिन पे यहाँ मिल पाता है? खाद बड़ी आए दिन समस्या बनी रहती है, आपसे बात कर रहे हैं, आए दिन समस्या बनी रहती है खाद के लिए। ये तो इफको का बड़ा केंद्र है यहाँ जो है। अरे वहाँ है, लेकिन में ही तो है सब, पूरे देश में सप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ तो देखिए समस्या, यहाँ बगल में इफको रहते हुए है, यहाँ खाद नहीं मिल पा रही है। अच्छा, ये पटेल जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीतना तय है। अरे कतई नहीं कहो कोई था, ये देखिए अभी ये लोकसभा में क्या हाल हुआ है, कितने सीट थी, 37 सीट सब ये पाए हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन। तो क्या उसके भी चांस है यहाँ फूलपुर में जो उपचुनाव होना है? हाँ, इंडिया गठबंधन जीत सकती है क्या, ऐसा भी चांस? हाँ, 99% आपकी जीतने की उम्मीद है। अच्छा। हाँ अच्छा, क्या जो लोकसभा का माहौल बदला था वही माहौल इस बार भी रहा? हाँ, है क्या? पक्का है, पक्का वही रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। क्या नाम है सर आपका? बोलिए। ज्ञानिन कुमार। अच्छा, क्या माहौल देखते हैं आप अपने फूलपुर का? सर उधर फूलपुर का हम उधर क्या बताएं, अभी पेड़ उधर काजी का उधर रोड उधर देखिए बिल्कुल उधर बेकार है। उधर हम 15 साल से उधर रास्ते नहीं ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल उधर रोड खराब है। खास उधर तौर पे रोड उधर सारी ठीक है, उधर हम भी उधर कहते हैं, लेकिन उधर वीर उधर काजी का रोड बिल्कुल बेकार है, किसी से भी पूछ लीजिए। अच्छा, सड़क खराब है? बिल्कुल खराब है। अच्छा। पूछिए उधर बड़े उधर भाई साहब से, भाई साहब तो कह रहे हैं कि रास्ते सही है, सब कुछ सही है। इतने उधर पानी में उधर हम लोग उधर जाते आते हैं। क्या इसका नुकसान होगा क्या सरकार को? बिल्कुल उधर उधर होगा, आपको तो खुद पता होता है कि उधर प्रवीण पटेल उधर सांसदी और उधर विधायक कितने उधर वोट से उधर जीते हैं बता दीजिए, 2504 उधर जा रहा, बहुत कम वोट से जीते थे। हाँ। अब इस लोकसभा में सांसदी में उधर विधायक में 5 बजे तक उधर सपा उधर आगे थी, ठीक है, तो वो जाके किसी तरीके से उधर अपना जीत उधर हासिल उधर कराए हैं। उधर मतलब आप कह रहे हैं सत्ता के बल पे? जी जी बिल्कुल, 5 बजे तक हार रहे थे सत्ता पर जी, आप ये कहना चाहते जीत। और वीर उधर काजी का रोड बिल्कुल उधर खराब है, उधर प्रवीण पटेल आगे खुद उधर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार सर। दिलीप जी, क्या माहौल यहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ का माहौल 50-50 चांस है। अच्छा। कांग्रेस बीजेपी दोनों का। अच्छा। यहाँ तो सपा की सीट उपचुनाव में मिली है। हाँ। लेकिन अभी गठबंधन तय नहीं हुआ है। गठबंधन की ही बात कर लेते हैं ना, मान लीजिए चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, तो गठबंधन की एक तरफा चुनाव नहीं है सर। अच्छा। एक तरफा ना, 50-50 चांसेस है, भाजपा ज्यादा चांसेस है। अच्छा। कांग्रेस, ये समस्याएं एकाएक पनपती नहीं है, ये समस्याएं कांग्रेस के काल में भी थी और बीजेपी के काल में भी थी। खाद वाला तो हमेशा रहता है। और लेकिन हम ये सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, ये पॉलिसी किसकी है? लघु खाद पे लगा किसान अगर डीएपी 1280 की है, ये लघु कौन लगाए? सरकार की पॉलिसी है या फिर इफको केंद्र लगाए? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, पॉलिसी किसकी है? अच्छा, सरकार भी तो जिम्मेदार है ना भैया। हाँ, वही 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 हम पूछना चाहते हैं, सरकार की पॉलिसी है, दिखाई करिए सरकार की पॉलिसी है या फिर इफको की पॉलिसी है, ये हमें कौन बताएगा? इधर हमें यार देखते हैं। नहीं नहीं, तो यहाँ 50% आप कह रहे हैं दोनों का चांस है? हाँ हाँ, बिल्कुल चांस है। आप एक तरफा चुनाव कह ही नहीं सकते हैं कि कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है। पटेल जी ने बोला कि भाजपा जीत रही है, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये वो जो 99% करके गए चुनाव में, तो हमेशा एक तरफा चुनाव होता ही नहीं। मुद्दे तो होंगे ना फूलपुर? हाँ, मुद्दे बिल्कुल है। सबसे बड़े बीजेपी में मुद्दा यह है कि बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि ये लघु वाला हमें ये समझ में नहीं आता। लघु क्या चीज़ बता रहे हैं हम? अब जैसे हम, जैसे 1280 रुपए की डीएपी हो गई, हम ये कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं, जबरदस्ती मुझको दिया जाता है कि नहीं आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, जो प्रतिबंधित करते हैं जिसके साथ ये लेना है, इससे नाराजगी? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी तो है, ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है नाराजगी रहेगी। और बीजेपी का कार्यकाल अच्छा है, लाइट के मामले में हम सब, लाइट के मामले में बहुत अच्छी कंडीशन, रोड के मामले में कंडीशन है, चोरी चमारी बंद हुई है एकदम, ये कंडीशन अच्छी है। एकदम इग्नोर, एकदम इग्नोर कर देना कि नहीं बीच पे बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा भी तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए, एक साइकिल बैठे इनके बहुत एकांत में, हम इनसे बात करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम खिलौन है सर। राम खिलौन जी, का माहौल देखत है आप यहाँ फूलपुर के जीते वाला बा? अब एक हमका सब नहीं मालूम, ये हम नहीं। तब का सरकार अच्छा काम करता? कुछ नहीं करते बात सरकार। हाँ, नहीं कुछ नहीं करता सरकार, अच्छा काम नहीं करता? नहीं। बताओ बताए, सब जो राशन मिला था, सब फ्री राशन मिला था, सड़क उड़क भी बन गई बा? हमारे कहीं कुछ नहीं बना तो बात है। हाँ? कुछ नहीं मिला बा? कुछ नहीं मिला था सरकार, ना ठीक काम करता ना ही हो देखा था। खाद वाली आज चारों से आता है, डीएपी उठे नहीं। अच्छा, खाद होता है तो नहीं मिला था ना?
चलिए खाद नहीं मिल रही है, चलिए और कुछ लोग हैं देखिए इनसे हम बात कर लेते हैं कुछ नहीं। ए भाई साहब इधर आइए, ए आइए थोड़ा सा आपसे बात हो, आइए 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 आप लोगों से बात, आपसे बात हुई ना। चलिए देखिए ये मेरी मौजूदगी जो है ये हाँ हाँ इसको आइए इधर थोड़ा आके संवाद करें कुछ लोग। ए चाचा आइए इनसे पूछते हैं, सुनिए सुनिए आइए दोनों लोग, दोनों लोग भेजिए इधर 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 आइए, खाद लेने आए हैं ना, आइए खाद लेने आए हैं, इफको खाद लेने आए हैं, मिला आपको? हाँ साहब भाई ये मिला क्या काम से, 20-20-0-13 20-0 क्या चाहिए था, वही चाहिए था कि दूसरा कुछ? डी ए पी चाहिए था साहब, इसके साथ लगेज लगा के दे दिए साहब। इसको भी देते रहे हैं? इसको जबरदस्ती दे रहे हैं क्या? इसको साहब हमको जरूरत नहीं थी, अब क्या बताया, अब हमको तो दे दिए। ये 225 की लगा है साहब, नैनो यूरिया, मतलब नैनो यूरिया मतलब इसकी जरूरत नहीं, इसको दे दिया जाना। अच्छा एक चीज बताइए, हम तो माहौल जानने आए, फूलपुर में वोट पड़ना है ना, 13 तारीख वोट का क्या माहौल है, कौन जीतने की स्थिति में, कौन पार्टी जीतेगी, यहाँ किसका दबदबा ज्यादा है? अब साहब जिसका जिसके भाग में साहब, अब हमारे समझ में कि अब क्या बताएं साहब, जिसका नसीब होगा। सरकार काम बढ़िया कर रही है कि नहीं? ये सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है साहब, तो सरकार फिर सरकार, ये सरकार फिर चाहिए। अच्छा तो इसे बताइए ना, क्या नाम है बाबू आपका? आकाश यादव। आकाश जी क्या हालचाल है? ठीक है। फूलपुर कौन जीतेगा? अभी हम लोग विधायक अभी हम लोग इतना वो नहीं जागरूक, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर का वहाँ नहीं, बाहर प्रयागराज में, फूलपुर में ही है ना? हाँ फूलपुर में, फूलपुर विधानसभा वोटिंग तो करना है ना? हाँ वोटिंग तो करना है। माहौल क्या दिखता है? माहौल तो ठीक है, सरकार काम बढ़िया कर रही है? नहीं काम तो हमें बढ़िया नहीं कर रही है। अच्छा नहीं कह रहे सरकार काम बढ़िया कर रही है, सरकार तो अपनी अपनी वो है ना जिसके। अच्छा सरकार काम नहीं कर रही है। अच्छा कुछ लोग बेरोजगारी का मुद्दा भी बता रहे हैं, ये मुद्दा है? हाँ ये तो सही चीज़ है, बेरोजगारी का मुद्दा जरूरी है। अच्छा कि आजकल के युवा बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, ये क्या कहते हैं इको में वैकेंसी आई थी, योगी लगाए थे मतलब, लेकिन ये इसमें से 25,000 से ऊपर सैलरी इको नहीं थी। अच्छा इतना युवा आए थे लेकिन कोई काम नहीं मिला। हाँ। तो आदमी जब 25,000 से नौकरी करना है तो अपने घर ही नहीं कर ले, या यूपी में मतलब कोई नहीं वैकेंसी, हरियाणा पंजाब बिहार ये सब में थी। अच्छा हाँ तो जाति समीकरण का जो मामला है, जैसे आप तो यादव है मान लीजिए, जैसे ये पटेल जो है यहाँ के पटेल भाजपा को वोट करने वाले दिख रहे हैं आपको, दूसरी पार्टियों में भी कर सकते हैं? अभी जो पटेल चुनाव लड़े थे इसके पहले विधायक थे ना, उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो बीजेपी में ही रहेंगे कि दूसरी जगह जा सकते हैं? अब तो उनकी बात है, लेकिन ये बात है जो अभी हाल में जो सांसद हुए हैं वो तो अभी हमारे गांव में कभी नहीं गए। अच्छा जो जो सांसद हुए वो तो हमारे गांव में अभी कभी नहीं गए जो सांसद हुए हैं, गाँव आपके हम आज तक उनका चेहरा नहीं देख पाए। भाजपा के सांसद जो सांसद हुए, क्या नाम है उनका? प्रवीण पटेल। प्रवीण पटेल का चेहरा नहीं, हम आज तक अभी चेहरा नहीं देख पाए। अच्छा अब वो पहले विधायक भी थे? हाँ विधायक तो ये भी तो ठीक। अच्छा हाँ, यानी विधायक थे और हम चेहरा नहीं देख पाए आज तक। अरे बाबू तुम तो चुनावी पूछ रहे हैं, क्या नाम है बाबू आपका? कुलदीप यादव। कुलदीप जी क्या माहौल है? माहौल ठीक ही है जो है। लड़ाई है समाजवादी पार्टी की नहीं है? बहुत बहुत है। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, हमारे यहाँ से अभी तक जीतती आई है। अच्छा समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती है? यहाँ पे बिजमा यादव अभी तक विधायक, वो हर प्रतापपुर, हम लोग तो प्रतापपुर से ही है ना विधानसभा। फूलपुर से बताइए। फूलपुर से, अब यहाँ पे फूलपुर वाले बताएं। अच्छा लेकिन क्या लगता है आपको लड़ाई है? हाँ लड़ाई तो अब हर जगह, जैसे ही इतना विधानसभा में सीट निकाली है सपा, तो यहाँ पे ही जीतेगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार चेंज हो। अच्छा विकास हर आदमी चाहता है। सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं विकास कर रहे हैं लेकिन जैसे युवाओं के लिए करना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, ये चीजें आप कर रहे हैं? किसे? अरे वो तो खाद बेच रहे हैं यार, उनसे क्या पूछ लेंगे, वो खाद बेच रहे हैं, हमको खाद थोड़ी जानना है। ये देख किसान है, किसानों से हम पूछते हैं जो है, क्या नाम है आपका? अरे प्रमा थूक दे, अरे थूक दे, नहीं कहना है कुछ, नहीं कहना है, चलिए जा। अरे बताओ कुछ नहीं मालूम। देखिए ये देखिए फूलपुर में थे हाँ, मेरी मौजूदगी फूलपुर, ये जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, ये देखिए इफको का केंद्र है, यहाँ किसान कुछ आए थे छिटपुट, इनकी मिली जुली राय रही
ज्यादा तक ये देखने को मिला जो है, बताएं सपा के जो हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रतापपुर से बीजमा यादव हैं, वो अगर हमारे यहाँ शादी विवाह या किसी भी कोई कार्यक्रम अगर हम लोग फान लेते हैं वो घर तक आती हैं। अच्छा। लेकिन ये बीजेपी का कोई भी नेता आज तक कभी किसी भी कार्यक्रम में कभी गांव में कभी दिखाई नहीं पड़ा है। और बीजमा यादव हर मतलब हर जगह आप अगर कहीं फोन कर दें तो भी, जैसे उनके बेटी की शादी थी तो हम लोग के यहाँ न्योता आया था। अच्छा। दावत मिली थी। ये आप कहना चाहते हैं कि जो सपा के नेता विधायक हैं वो लोगों के यहाँ पहुँचते हैं, भाजपा वाले नहीं पहुँच पाते? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा। गांव के लोग अभी तक जो यहाँ पे अभी बहारिया में जो भाई बात चल रहा है तो अभी उनके जो विधायक हैं अभी गाँव में कभी गए ही नहीं होंगे। अच्छा। कभी नहीं देखिए। अच्छा ये एक चीज़ हमको बताइए, अब ये 9 लोक विधानसभा का उपचुनाव होना है, जो लोकसभा में माहौल बना था जिसे विपक्ष का समाजवादी पार्टी को एज थी, क्या ये 9 विधानसभा में भी दिखेगी माहौल वही है कि चेंज है? नहीं, माहौल तो वही रहेगा, वही है। ऐसा नहीं है कि लोग बदल गए? नहीं, बदलेंगे नहीं, और अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, और भी बना रहे और भी बना रहे हैं। देखिए जो है, हाँ बताइए, आप तो बताए ना। हाँ, विधायक 3 बार रह चुके हैं प्रवीण पटेल, चौथी बार सांसद हुए। अच्छा। अगर काम नहीं किए होते तो ये जनता तो मूर्ख है नहीं, कंटिन्यू होते आ रहे हैं। ये जो बता रहे हैं कि प्रवीण पटेल का चेहरा नहीं देखें, तो हम कहना चाहते हैं उनसे आप व्यक्तिगत मिलिए या फिर फील्ड में मिलिए, उनका व्यवहार बड़ा कुशल है। अच्छा। हमेशा मिलनसार व्यक्ति हैं और फूलपुर के लिए उन्होंने विकास पुरुष कहें तो हम शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा। उन्होंने फूलपुर के लिए विकास बहुत ज़्यादा किया है। धन्यवाद। देखिए मेरी मौजूदगी जो है फूलपुर विधानसभा में थी, जो कि यहाँ उपचुनाव 13 तारीख को होना है। ये एक इफको किसान सेवा केंद्र है, हाँ, घिया नगर, हाँ, और इफको का बहुत बड़ा केंद्र भी फूलपुर में है। यहाँ आए तमाम तरह के जो किसान हैं उनसे हमको हमारा जानने का यही प्रयास हुआ कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जैसे जो जिसका समर्थक दिख रहा है उसकी बात कर रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी है, वहीं विपक्ष के लोग जो समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं सरकार का कामकाज अच्छा नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।